देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये डेकोरेशन, लाइट, फूलों की लड़ी, ये सब हमारे रणबीर ने किया। तो क्या हो गया? अब इंसान जब खुश होता है तो वो सारे काम करता है। तुम्हें पता है तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने कितना काम किया? ये सब मैंने किया। अगर एंगेजमेंट के लिए मैं प्राची को तैयार करूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? ये तुम्हारे लिए। सिड के माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए। सिड की माँ होती तो ये वो देती तुम्हें, अब वो नहीं है तो उनका काम मैं कर रही हूं। एक और बात करनी थी तुमसे प्राची। हो सकता है कि मैं जो तुमसे कहने जा रही हूं वो सुनकर तुम्हें बुरा लगे, बट ये बात कहना जरूरी है। एक औरत होने के नाते मैं ये बात एक दूसरी औरत से कर रही हूं, क्योंकि रणबीर की माँ होने से पहले, विक्रम की पत्नी होने से पहले मैं एक औरत हूँ। एक ऐसी औरत जिसे हमेशा सबका भला चाहो। तुमसे बहुत नफरत की है मैंने प्राची, लेकिन अब तुमसे नाराज जरूर हूं लेकिन नफरत नहीं करती तुमसे। उसकी वजह तुम्हारी प्रेगनेंसी है। तुम माँ बनने वाली हो, इस खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाली हो। इस खानदान के प्रति कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी तो ली नहीं तुमने, लेकिन अब इस खानदान का नाम बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे सर आ गई है। सिड की माँ नहीं है और तुम्हारी माँ भी अभी यहाँ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ मानो और मेरे फैसले पर भरोसा रखो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही। मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को माँ और पापा दोनों का प्यार मिले। I hope you're understanding what I'm trying to say. एक और रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। ये एंगेजमेंट होने तक कोई ड्रामा क्रिएट मत करना, और अगर तुमने कोई ड्रामा क्रिएट किया तो भी मैं वही करूंगी जो सबके लिए सही होगा। तुम्हारी हामी नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस करो प्राची, ये एंगेजमेंट होने तक और आगे शादी होने तक तुम कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करोगे। प्रॉमिस मी दैट। तुम सिर्फ से शादी करो, तुम उसके साथ एक फैमिली बनाओ, खुश रहो। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस। रो क्यों रही हो? मेरी वजह से रो रही हो ना? आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें कहा ना सिद्ध से शादी करने के लिए। मैं नहीं चाहता तुम सिद्ध से शादी करो। शादी करो, शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं उसको तुम्हारे आसपास नहीं देख सकता। उसको क्या, मैं किसी लड़के को तुम्हारे आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं प्राची।
मैंने जो कहा ना सब भूल जाओ प्लीज आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम अपना सामान पैक करो। मैंने तुमसे वादा किया था ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम और मैं कहीं और चलते हैं, कहीं और जाके रहेंगे, बस बहुत हो गया। जल्दी अपना सामान उठाओ, हम चलते हैं यहाँ से। चलो लेट्स गो। ये क्या है? ये केरोसिन है, ये किसी ने केरोसिन, दिस इज डेंजरस, इसे उतारो केरोसिन नहीं, डेंजरस है रणवीर। नहीं रणवीर, क्या देखा मैंने, ये क्यों देखा, ये नहीं हो सकता। ये इसका मतलब है कि रणबीर और मैं अगर साथ रहना भी चाहे तो रणबीर को कोई नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है और आपने मुझे कोई इशारा दिया है? नहीं, मैं मेरे रणबीर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। रणबीर क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम ढूंढ क्या रहे हो? हाँ एक्चुअली माचिस ढूंढ रहा था। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ पे आग लगने वाली है? पता नहीं था, मैंने एक सपना देखा, बहुत बुरा सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है तुम्हारे साथ, और कोई तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए छीनने वाला है। कोई हमारे लिए बहुत बुरा चाहता, और मैंने देखा कि तुम सपने में चल रहे थे। कभी कभी खुली आंखों से देखे सपने भी पूरे हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी। तुझ बिन होता नहीं मेरा गुजारा,
चाहिए आराम मुझे तेरा सहारा, तेरी हूँ कसम वादा हूँ तेरा, खुद से भी बहुत मैं ज्यादा। कोई हमारे लिए बहुत बुरा चाहता, मैंने देखा कि तुम सपने में जन्म रहे थे। क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं? क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। कहने को तो सब मेरे हाथ में है, लेकिन तब भी मेरे हाथ खाली है। जब मैं जानता हूं प्राची मुझसे प्यार करती है, जब मैं जानता हूं मेरे एक बोलने पे वो उसे से शादी नहीं करेगी, तो मैं क्यों कुछ नहीं कर रहा हूं? क्यों मैं इतना बेबस अपने इन्हीं हाथों को उसके सामने फैला के उसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूं मैं? आज मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक मेरी सांसें मेरे साथ है ना, तब तक मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब हमें तो छोड़ के रखने के लिए एक बहुत बड़ी वजह है, हमारा बच्चा। हमारा बच्चा हमें हमेशा जोड़ के रखेगा। शायद मेरे उस अधूरे वादे की वजह से जो मैंने अपने अजन्मे बच्चे के लिए किया था। Wow. You are looking beautiful, amazing. Thank you, and so are you. अभी thank you मत कहो, मुझे और भी बहुत कुछ कहना है तुमसे। अच्छा? पल्लवी तुम strong हो, intelligent हो, smart हो, और अपनी घर की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। देखो ना, तुमने सब गलत होते हुए रोक दिया, अब सब सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से। पल्लवी, You are great. Thank you, but enough now. Mm-hmm. तुम इतनी तारीफ करोगी तो मेरे तो थैंक यू कम पड़ जाएंगे तुम्हारे सामने। And I know कि तुम यहाँ क्या कहने आई हो। मैं क्या कहने आई हूँ? सिद के बारे में। सिद के बारे में क्या? सिड और प्राची की शादी के बारे में। ऑनेस्टली मैंने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया है। What do you mean कि तुमने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया है? सच कहूं तो आलिया, मुझे जब पता चला कि प्राची रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली है, I was over the moon. I don't know मैं ऐसा फील क्यों कर रही थी, मैं इतनी खुश क्यों थी, लेकिन मैंने प्राची को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया। ये बात मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन आई डिडंट टेल यू, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जाकर रिया को बता दोगी, एंड मैं नहीं जानती थी कि रिया ये सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि आई नो कि मैंने उसे कहा था रणबीर को डिवोर्स देने के लिए, ताकि वो रणबीर से लीगली हमेशा के लिए अलग हो जाए। चाची ने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया? लवी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Like I said, आलिया, मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इतनी खुश क्यों हूँ? I don't know. मैं ऐसा इसलिए फील कर रही हूँ शायद क्योंकि मैं हमेशा से जानती थी कि रणबीर प्राची से प्यार करता है, और जब मुझे पता चला कि प्राची रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, I just thought कि रणबीर's family was complete. उसे वो फैमिली मिली जो हमेशा से वो चाहता था। He had his perfect family. And ये न्यूज़ सुनते ही फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने प्राची को एक्सेप्ट किया। एंड देन मुझे पता चला कि प्राची सिड के बच्चे की मां बनने वाली है, और
मुझे उससे फिर से नफरत होने लगी, शायद पहले से भी ज्यादा नफरत। मैं समझ सकती हूँ, ये सब तुम इसलिए फील कर रही थी बिकॉज यू आर अ गुड वुमन। तुम एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी मदर इन लॉ हो। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन प्लीज ये जो भी मैंने कहा जस्ट डोंट गो एंड टेल रिया अबाउट इट, शी इज नॉट गोना बी ओके विद इट। मैं रिया से कुछ नहीं कहूंगी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आलिया, अभी जो भी बातें हमने की ना, वो सारी बातें एक तरफ, एंड अभी जो सिचुएशन है वो एक तरफ। अभी तो वो हाल है कि चेक मंगनी बट गया ताकि प्राची हमेशा के लिए रणबीर की लाइफ से अलग हो जाए। मैं हमेशा से जानती थी कि रणबीर प्राची से प्यार करता है, और जब मुझे पता चला कि प्राची रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, I just thought कि रणबीर's family was complete. He had his perfect family. मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी साड़ी लाई हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अरे तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए। क्या हुआ? ये क्या है? ये साड़ी और क्या है? तुम्हें लगता है मैं ये पहनूंगी? हाँ, इसमें कोई खराबी तो है नहीं, कितनी अच्छी है देखो। It's too heavy, it's too festive, मैं नहीं पहनूंगी। Festive and it's heavy, इसलिए मैं तुम्हारे लेके आया हूँ, कितनी अच्छी लगेगी तुम पे। तुमने मुझे देखा है, देखो मैं कितने सिंपल कपड़े पहनती हूँ, मैं ये कैसे पहनूंगी? I understand, तुम्हारी सादगी में खूबसूरती है, और इसलिए तुम्हें यही चीज सबसे अलग बनाती है। तुम सिंपल साड़ियों में बहुत अच्छी लगती हो, I totally agree। मैं ये नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनूंगी? तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, रुको मेरे साथ चलो, इधर आओ। कहाँ? इधर चलो, मैं दिखाता हूँ तुमको, इधर आओ, कम हियर, स्टैंड हियर। ये देखो साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लगेगी, ये देखो। लग रही हो यार, आई लव इट। ये साड़ी तुम पे चढ़ के ना ऐसा लग रहा है कि बोल रही है कि बस मुझे यही रहने दो, बहुत अच्छी लग रही है। तुम ना ज्यादा बातें मत बनाओ। बातें नहीं बना रहा हूँ, महसूस करो। देखो प्राची, ये साड़ी तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारी लाल प्यारी सी पिंगी, ये तुम्हारे कान के हिलते हुए झुमके, तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, सो क्यूट सो प्रीटी, ऐसा लग रहा है साक्षात देवी मेरे सामने प्रकट हो गई। तो एक काम करो ना, मेरे हाथ में एक त्रिशूल पकड़ा दो, मैं राक्षसों का वध करके दुनिया को बचा भी लूंगी। ये राक्षस, तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो मुझे राक्षस बोल रहे हो? इट्स ऑल डन। मैं ये नहीं पहन सकती, पकड़ो इसे। क्यों नहीं पहनोगी? ये कितनी अच्छी साड़ी है प्राची, कम ऑन यार। देखो अगर तुम ज्यादा नाटक किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पहना दूंगा साड़ी। और वैसे क्या मेरा काम सिर्फ बाहर से साड़ी लेके थोड़ी आना है, मैं तो तुम्हें पहना भी सकता हूँ साड़ी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे साड़ी पहनाने दो, या तो मुझे अपने आप को सजाने दो। चूज। सजाने? तुम गुड़िया हो मैं जो सजाओगे? ठीक है, इसका मतलब मैं तुम्हारी हार समझता। चलो सजते हैं। छोड़ो ना रणबीर। अच्छी तो है। तेरे बिन ना रहा कभी, तेरे बिन ना रह सकूंगा, तेरे बिन ना जिया कभी, तेरे बिन ना जी सकूंगा। टूटे दिल की आवाज को सुन, तू सुन तो सही, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से।
तन्हाइयां मिली हैं, तू ना मिली मुझे, तू ना मिली। टूटे दिल की आवाज को सुन, तू सुन तो सही, अरमां था हमको जिसका नसीब।